गुजरात में सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है, लेकिन क्यों? वीडियो शुरू करें उसके पहले ये बात कर लें कि क्यों आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, यानी आप इस वीडियो में कौन से पॉइंट्स जानेंगे। इस वीडियो में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे वे कुछ इस प्रकार है। पहला, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पूरा मामला क्या है? और दूसरा, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत किसने दर्ज कराई? तीसरा, कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा क्या सुनाई? चौथा, इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी का क्या कहना है? और पांचवा, क्या सच में राहुल गांधी को 2 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा? राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है, ही नहीं उनकी सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। A court in Western India has sentenced the opposition leader Rahul Gandhi to 2 years in prison in a criminal defamation case. आज सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई है। सजा के बाद ही कांग्रेस में खलबली मची। दोस्तों, बात 13 अप्रैल 2019 की राहुल गांधी अपनी एक रैली के लिए कर्नाटक में मौजूद थे। इसी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी अपने भाषण में बोलते हैं कि चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, सभी चोरों के नाम के आगे मोदी क्यों जुड़ा हुआ है। बस यही भाषण राहुल गांधी के लिए मुसीबत बन गया और राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हो गया। एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अब बारी हमारे पॉइंट नंबर 2 की, आखिर किसने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया। तो इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति का नाम है पूर्णेश मोदी, जो कि भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इनका अपनी शिकायत में कहना था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जो भी बातें कही है उससे पूरे मोदी समुदाय की छवि खराब हुई। पुलिस ने इस पूरे मामले में अक्टूबर 2021 में IPC धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया था। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा क्या सुनाई। इस पूरे मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके साथ 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। तो जब कोर्ट इस मामले में सजा सुना रहा था तो राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि जब उन्होंने मोदी सरनेम वाला भाषण दिया था तब उनके मन में किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं। अब सच क्या है ये तो भगवान जानते हैं या तो फिर राहुल गांधी। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करेंगे कि क्या सच में राहुल गांधी को 2 साल के लिए जेल में जाना पड़े। भविष्य का तो पता नहीं, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में कोर्ट ने राहुल गांधी की अपील पर उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया है और जमानत दे दी है ताकि वे खुद को दोषी ठहराए जाने वाले फैसले को 30 दिनों के अंदर ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकें। अच्छा, हमारे देश में एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो इसे बीजेपी की सोची समझी चाल भी बता रही है, क्योंकि वर्तमान में केंद्र में कांग्रेस के अलावा बीजेपी को टक्कर देने वाली कोई अन्य पार्टी नहीं है और वर्तमान में राहुल गांधी के ऊपर इस केस के चलते कांग्रेस की काफी छवि भी खराब होने वाली है। लेकिन इन सबसे परे हमें अपने देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा होना चाहिए और उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। अब अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और भविष्य में भी ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।